राजी होंगी सरकार इनसे राजी हो जाएंगे। क्या जो खाली बैठे वो मिलने वाला कुछ नहीं है, खाली मुंह देखने आया तो मिलने वाला कुछ नहीं है। मेरे भाई फैसले हमारे यहाँ पर मौजूद है, मेरे यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब सारे गुलाम झंडे इनके हाथ में है, ये हाथ झंडे से कम भी नहीं है हमारा, है ना। अपने हाथों को हवा में लगाकर बोलिएगा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी सब कुछ ना बताओ। अगर तू नमाज पढ़ ले सिर्फ फोड़ फोड़ के मर जा, सरकार से मोहब्बत नहीं अगर मर्जी मिलेगी तुझे। मैं आकर ठहरा था इनके मकान पर, उन पर लिखा था जावेद मंजिल, मकान किसका हुआ इनका या मेरा? आवाज से बोली आवाज सुमी साहब के घर पर मैं पढ़ने गया था, मकान पर लिखा था सुमी साहब मंजिल, मकान इनका हुआ या मेरा हुआ? अरे बोलो ना यार, अब जन्नत के दरवाजे पर मेरे राजा का नाम लिखा हुआ है। क्या बात है, जन्नत किसकी हुई? मिलेगी किसको? मिलेगी, मिलेगी नाम है यार। क्या बात है, क्या कहने यार, मुस्कुरा तो सुभान अल्लाह बोल रहे हो। मियां मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराना किसी ने बाप की सुन्नत नहीं, मुस्कुराना मेरे राजा की सुन्नत है। तुमने मुस्कुरा कर रखा गुलाब का फूल रखा हुआ है, जन्नत है हमारे लिए दावा करता है वो, गलत फहमी दूर कर दी आला हज़रत हज़रत, मतलब सारे गुलाम हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। Allah
گورکھپوری کی آمد آمد ہو چکی ہے، بس تھوڑی دیر میں سے ملاقات کریں گے، محبتوں کے ساتھ آپ سے شاید ناطے پاک کم ہو لیکن دم ہوتا ہے تمام دہاڑ کر سننی شروع ہوتا ہے، دہاڑتے ہیں زور سے بولیے پوری طاقت سے سرکار کی یاد ہے، آج دنیا میں یہ آواز جائے پورے ایریا میں، پورے پرتاپ گڑھ میں یہ آواز گونجے، تم صاحب دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے، دنیا کسی گانے بجانے والے کی آواز نہیں، سرکار کے سچے غلاموں کی آواز آ رہی ہے، جو غلام ہوتا ہے وہ تو بولتا ہی ہے، کیسے بولتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولتا ہے سرکار کی یاد ہے، آشا.